See, ma'am, there is no limit to connectors. There can be varied connectors in OET, but OET is medical-based test, so the connectors are really precise. Precise का मतलब accurate, मतलब बहुत कम है, brief है, कम है. So कहने का मतलब although और yet, ये बहुत अच्छा combination of connector होता है. जब आप कहते हो treatment देने के बाद भी condition improve नहीं हुई, although the treatment was given. Yet there was no improvement in her condition. ऐसे improvement in her condition. तो ये होता है मैम जब आपको उल्टी बात करनी है कि मतलब मैंने दी थी उसके बावजूद भी ये चीजें नहीं हुई. इस बात को ऐसे भी कर सकते हो, इवन आफ्टर गिविंग हर ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी, इवन आफ्टर गिविंग हर ट्रीटमेंट नो इम्प्रूवमेंट वॉज सीन. आप ऐसे भी लिख सकते हो इस बात को, ये तो आपके ऊपर है. दोनों अच्छे कनेक्टर्स हैं. हाउ एवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर, बट की जगह यूज करना होता है. वैसे तो बट की जगह नंदी लेस भी यूज कर सकते हो, पर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो बट और हाउ एवर, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव को मिस करना है, मिक्स करना है. जैसे आपने कहा उसको ट्रीटमेंट दी, ट्रीटमेंट वॉज गिवन, हाउ एवर देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट. तो ये कोई इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो जब आप अपोजिट बात कर रहे हो, आयरोनिकल बात कर रहे हो. इसके अलावा मैम सिंपल कनेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जब आप सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री लिख रहे हो और उसके बीच में जैसे सोशल हिस्ट्री लिख दी, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में लिख रहे हो, तो सोशल हिस्ट्री इज अलोन एंड डिप्रेस्ड, अपार्ट फ्रॉम दिस शी इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज. तो मतलब मैं सोशल हिस्ट्री से मेडिकल हिस्ट्री पे जंप कर गया, अपार्ट फ्रॉम दिस लिखा के. बिसाइड्स भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, बिसाइड्स बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, बिसाइड्स शी इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, ऐसे भी लिख सकता था. तो अगेन यू कैन यूज एनी ऑफ दीज कनेक्टर्स जब आपको कहना है कि अपोजिट बात करनी है. इसके अलावा मैम अब आते हैं सिंपल कनेक्टर्स अलोंग विद दिस, जब आपको टुडे की विजिट में या प्रेजेंट में कहना है कि इसके साथ साथ अलोंग विद दिस शी इज ऑल्सो हैविंग डायबिटीज. अब अगर आप ये कह रहे हो कि उसको ये बीमारी है, तो आपको इससे पहली वाली लाइन में भी ऐसी बात आनी चाहिए थी, शी इज हाइपरटेंसिव. मतलब दो बीमारियां थी तो हमने एक लिखा शी इज हाइपरटेंसिव अलोंग विद दिस शी इज ऑल्सो हैविंग डायबिटीज. अगर यही बात मैं पास्ट में लिखता तो मैं कह देता अलोंग विद दैट. ऐसे अपार्ट फ्रॉम दिस को अगर मैं पास्ट में लिखता तो लिखता अपार्ट फ्रॉम दैट शी वॉज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम इन द पास्ट. इसके अलावा अलोंग विद दैट होता है इसके साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा. इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, शी इज हाइपरटेंसिव अलोंग शी इज हैविंग हाइपरटेंशन. सॉरी, इसको दोनों को इकट्ठा भी कर सकता था, हाइपरटेंशन अलोंग विद डायबिटीज. बस अलोंग विद को ऐसे भी यूज कर सकते हो. जब इसमें खास बात यह है, जब आप अलोंग विद अकेला यूज करते हो तब कोई फुल स्टॉप नहीं होता, लेकिन जब आप अलोंग विद के साथ दिस और दैट यूज कर सकते हो करते हो तो यहाँ पे फुल स्टॉप आता है पक्का. अगर आपने दिस और दैट लगा दिया, पास्ट और प्रेजेंट में डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और सब्जेक्ट दोबारा लगेगा, बिल्कुल नई लाइन बनेगी. अगर आप ऐसे इकट्ठे लिखते हो तो कोई सब्जेक्ट नहीं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमने दिस और दैट का यूज नहीं किया. तो ये बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा. आप ऐसे भी कह सकते हो शी इज हाइपरटेंसिव एज वेल एज डायबिटिक. ये सब बातें आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और इसके अलावा कोई बात, और कोई कनेक्टर आपको याद हो? ऑल्सो इज वेरी सिंपल कनेक्टर, फर्दर यूज कर सकते हो. जब आपको कहो हमने उसको ड्रेसिंग कर दी थी, फर्दर मेडिकेशंस वर ऑल्सो गिवन, इसके साथ साथ मेडिकेशन भी दी. तो मतलब फर्दर मतलब उसके आगे ये भी किया, उसके आगे ये भी किया, तो उसके आगे जब भी किया इसको डिस्चार्ज प्लान में ले सकते हो. फर्दर शी वॉज एडवाइज, फर्दर शी इज शी हैज बीन, फर्दर शी शुड बी गिवन. मतलब डिस्चार्ज प्लान में जब आप लिखते हो शी शुड बी गिवन दिस एंड दिस थिंग, फर्दर शी नीड्स टू बी गिवन या फर्दर शी शुड बी गिवन. तो दीज आर द मेजर कनेक्टर्स ऑफ ओईटी. एनी डाउट मैम, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क? इज इट ओके?